हाय फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं काम के सिलसिले में कोलकाता आया था। वहाँ नए घर में रह रहा था। वहाँ मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं हुई। किसी की रोने की आवाज बहुत तेज थी। मैंने उससे आखिरी बात पूछा, कौन हो तुम बताओ। तभी अचानक वो मेरे सामने आ गई और कहने लगी, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। कौन हो तुम बताओ, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये एक बुरा सपना था। इसे देख के मैं बहुत डर गया था। इतना बुरा सपना मैंने कभी नहीं देखा था। फिर मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। सुबह हो गई थी, मैं ऑफिस के लिए जा रहा था। मैं अभी भी रात के सपने के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते कब सड़क पे पहुंच गया पता ही नहीं चला। मुझे एक लड़की दिखाई दी, वो मुझे देख रही थी। मुझसे कहने लगी, क्या तुम कब्रिस्तान के पास वाले घर में रहते हो? हाँ, पर तुम कौन हो? कितने दिन हुए तुम्हें यहाँ आए? 2 दिन। पर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? चले जाओ उस घर से, उस घर में बहुत खतरा है। वो घर खतरे से खाली नहीं है, वो घर में एक बुरी आत्मा का साया है। ये सुन के मैंने कहा, क्या ये सब बातों पे मैं नहीं विश्वास करता हूँ। और तुम कौन हो जो मैं तुम्हारी बात मानूँ? हटो, मुझे ऑफिस जाना है। कल रात जो तुमने सपना देखा, अगर वो सच हो जाए तब भी तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे? ये बात सुन के कि उस लड़की को मेरे सपने के बारे में कैसे पता, मैं हैरान हो गया। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। देखो, जो भी बोलना जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। ये 5 साल पुरानी बात है। जिस घर में तुम रहते हो उसी घर में एक कपल रहते थे। उनका नाम था ऐना और रिची। उनकी एक बेटी थी जो खो गई थी। इसकी वजह से उनका घर हमेशा सूना रहता। इस बात से ऐना बहुत उदास भी थी। एक रात जब वो दोनों सो रहे थे तभी अचानक किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। ये सुनके ऐना की आंख खुल गई। वो सोचने लगी, इतनी रात को कौन आया होगा। वो ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ गई। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला वो देख के दंग रह गई। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी और वो बच्ची ऐना की बेटी थी। ऐना ने जब अपनी खोई हुई बेटी को वापस से देखा वो बहुत खुश हो गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि उसकी सारी खुशियाँ उसे वापस मिल गई है, पर वो गलत थी। उस खुशी के साथ साथ जो उनके पास दुख आया था उन्हें उस बात का अंदाजा भी नहीं था। एक रात जब ऐना और रिची सो रहे थे तो ऐना को याद आया कि उन्होंने अपनी बेटी को दूध नहीं दिया है। वो रोज रात को अपनी बेटी को दूध देती थी लेकिन आज भूल गई। तो वो उसे दूध देने के लिए अपने कमरे से निकली। ऐना सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उसकी बेटी का कमरा उसके सामने ही था।